नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन 24 न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ नगर निगम में महिला पार्षद व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आज उसी मुद्दे को लेकर दोनों ही पक्ष अपने दल बल के साथ रायगढ़ विधायक निवास पहुंचे, जहां विधायक के पास अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। निगम में महिला पार्षद एवं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा है। आज उसी मुद्दे को लेकर दोनों ही पक्ष अपने दल बल के साथ रायगढ़ विधायक निवास पहुंचकर अपनी अपनी शिकायतें विधायक के पास दर्ज कराई। महिला पार्षद के साथ निगम सभापति एवं समस्त कांग्रेसी पार्षद दल एक साथ पहुँचे और घटना को लेकर विधायक को अवगत कराया। साथ ही विधायक को यह भी स्पष्ट किया कि अगर महिला जिलाध्यक्ष बरखा सी पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह सभी कांग्रेसी पार्षद अपने अपने पद से इस्तीफा देंगे। विधायक ने भी सभी पार्षदों से बात की और उनकी बातों को गंभीरता से सुना और रायपुर के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर समाधान करने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी अपने दल बल के साथ विधायक के पास गुहार लगाने पहुंची और उन्होंने भी अपना पक्ष विधायक के पास रखा। अब देखना लाजमी है कि भविष्य में यह विवाद थमता है या फिर कोई परिणाम निकल कर सामने आता है। इतना तो तय है कि विवाद को लेकर पूरे शहर में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। सभी लोग चुटकियां लेकर विवाद का मजा ले रहे हैं। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने भी पार्षदों का समर्थन कर घटना की निंदा की है और महिला जिलाध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग की है। विधायक कार्यालय में बैठक के पश्चात सभापति के नेतृत्व में सभी विधायक नंदेली रवाना हुए, जहां उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराए। वो आपसी परिवार का मामला है, हम आपस में बैठ के इसको सुलझा लेंगे। और परिवार का विवादित परिवार का ही मामला है, अब उसको सुलझाएंगे बैठ के। और मैं भी अपने पक्ष को विधायक जी से रखी हूँ और अनिल शुक्ला भैया से भी मैं अपने पक्ष को रखी हूँ। इस बात को लेकर वो नजुल भूमि में अतिक्रमण के विषय में मैडम ने, संजना मैडम ने गलत जानकारी दिया था कि बरखा सिंह ने भी कब्जा करके घर बनाया जा रहा है। इस मामले में विवाद हुआ था तो उसका मैं भी प्रकाश भैया के सामने अपना पक्ष रखी हूँ और अनिल शुक्ला भैया से भी रखी हूँ। अब आगे बैठ के हम लोग इस मामला को सुलझा लेंगे। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह और पार्षद संजना शर्मा के बीच में कुछ मध्यम विवाद हुआ था। दोनों पक्ष आए थे, दोनों पक्ष की बात मैंने सुना है और देखते हैं आपस में सलाह मशवरा या फिर इनकी जो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही पक्ष दोनों पक्ष आए थे, दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी है और मैं हमारे हालाकमान से इस सब बात को अवगत कराऊंगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशियन 24।